हेलो सुपर फ्रेंड्स, यार कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बढ़िया होगी। तो आज का जो हमारा कंपैरिजन वीडियो है बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर्स के बीच में है। आज हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हम एलिमेंट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं, मतलब हम बॉबॉय के जो पावरफुल एलिमेंट्स है उनको कंपेयर करेंगे स्लग टेरा के पावरफुल एलिमेंटल स्लग्स के साथ, और जो जीतेगा उसको कंपेयर करेंगे बेन 10 के एलियन के साथ। तो वीडियो बहुत अमेजिंग रहने वाली है, हमें पता लग जाएगा लास्ट में कि इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, मैं अभी आपको इनकी पावर एंड एबिलिटीज की बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं डायरेक्ट इनका कंपैरिजन करूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आएगा, एंड हम इसी के बीच में इनकी पावर एंड एबिलिटीज की बात भी कर लेंगे। तो देखते हैं कि बॉबॉय अर्थ एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बॉबॉय क्वैक वर्सेज अर्थ एलिमेंट स्लग वर्सेज आर्मेंट्रिलो एंड ग्रेविटिक में कौन जीतने वाला है। तो अगर हम बॉबॉय अर्थ एंड उसका अपग्रेडेड वर्जन बॉबॉय क्वैक की बात करें तो भाई जो बॉबॉय अर्थ है वो अर्थ को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकता है, उसके हाथ में अर्थ के ग्लव्स आ जाते हैं, वो अर्थ के पिलर्स क्रिएट कर सकता है, अर्थ के स्टीयर्स बना सकता है, लैंडस्लाइड कर सकता है एंड अर्थ क्विक ला सकता है, अर्थ बैरियर्स बना सकता है, और मेन जो चीज है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड जो बॉबॉय क्वैक है ना वो क्रिस्टल के गोलम्स क्रिएट कर सकता है, एंड उसके हाथ में जो ग्लव्स होते हैं वो और भी अपग्रेड हो जाते हैं, एंड उसकी स्ट्रेंथ जो बॉबॉय अर्थ होता है ना उससे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम अर्थ एलिमेंट स्लग की बात करें तो जो अर्थ एलिमेंट स्लग है उसका अर्थ पे, प्लांट पे एंड मेटल पे पूरी तरह कंट्रोल है, एंड ये बड़ी बड़ी चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अभी बात करते हैं हम ग्रेविटिक एंड आर्मेंट्रिलो की। तो जो ग्रेविटिक है वो ग्रेविटी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, कहीं से भी ग्रेविटी को उड़ा सकता है, कहीं भी ग्रेविटी बढ़ा सकता है, मतलब ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है, इसका पावर ही ये है ग्रेविटी। और जो आर्मेंट्रिलो है वो कहीं भी ड्रिलिंग वगैरह कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज है, मतलब बहुत ज्यादा वाली, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इन तीनों में से कौन जीतने वाला है। तो मेन जो है ना सबसे पहले यहां से जाने वाला है अर्थ एलिमेंट स्लग, क्योंकि अगर अर्थ एलिमेंट स्लग जो है वो बॉबॉय अर्थ के साथ लड़ता है ना तो बेशक वो बॉबॉय अर्थ को तो कुछ हद तक अच्छी खासी टक्कर दे दे, लेकिन भाई वो बॉबॉय क्वैक से हार ही जाएगा, क्योंकि बॉबॉय क्वैक जो है ना वो बॉबॉय अर्थ का अपग्रेडेड है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर एंड उसकी जो क्रिस्टल गोलम्स क्रिएट करने की ताकत है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बॉबॉय अर्थ से, तो वो तो आराम से ही अर्थ एलिमेंट स्लग को हरा सकता है। लेकिन भाई जो बॉबॉय अर्थ एंड बॉबॉय क्वैक है ना वो भाई ग्रेविटिक एंड आर्मेंट्रिलो से हार सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटिक है ना वो पूरी तरह ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब भाई वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर लेगा ना और बॉबॉय अर्थ के जितने भी गोलम्स वगैरह हैं उनको तो वो खत्म कर देगा वहीं पर, ठीक है। और जो आर्मेंट्रिलो है वो कहीं भी ड्रिलिंग कर सकता है, तो वो यार नॉर्मल सी चीज है कि अगर बॉबॉय अर्थ पिलर एंड स्टेयर्स एंड बैरियर वगैरह कुछ क्रिएट करेगा ना तो आर्मेंट्रिलो तो उनको ऐसे ही खत्म कर देगा, और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है एज अ कम्पेयर टू बॉबॉय अर्थ एंड बॉबॉय क्वैक, तो भाई यहाँ पे बेन टेनिसन जीत सकता है। तो देखो यार अभी हम बात करते हैं बॉबॉय विंड एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बॉबॉय साइक्लोन वर्सेस एयर एलिमेंट स्लग वर्सेस जेट्रे एंड टेरास्पिन। तो देखो यार अगर बॉबॉय विंड की बात करें ना तो भाई उसके पास विंड की पूरी तरह पावर्स है, एरोकनाइसिस मैनिपुलेशन कर सकता है, बहुत तेज हवाएं चला सकता है, विंड ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बॉबॉय साइक्लोन वो साइक्लोन शील्ड क्रिएट कर सकता है, साइक्लोन ड्रिल कर सकता है एंड बहुत बड़े लेवल में साइक्लोन क्रिएट कर सकता है एंड साइक्लोन रस्ट जैसी बहुत सारी पावर्स रखता है। एंड अभी बात करें हम एयर एलिमेंट स्लग की, जो एयर एलिमेंट स्लग है वो एयर एंड टॉक्सिक पे पूरी तरह कंट्रोल रखता है एंड वो भी बड़े बड़े साइक्लोन क्रिएट कर सकता है, साइक्लोन की शील्डें बना सकता है, ड्रिल कर सकता है कहीं पे, एंड उसका भी एयर पे पूरी तरह कंट्रोल है, टॉक्सिक पे पूरी तरह कंट्रोल है, एंड ये स्लग टेरा का सबसे फास्ट स्लग है एंड ये विंड ब्लास्ट भी कर सकता है। एंड अगर बात करें हम जेट्रे की तो जेट्रे जो है ना वो नैरो शॉक ब्लास्ट कर सकता है अपनी आंखों से और अपनी पूंछ से, साथ ही ये उड़ सकता है वो भी बहुत तेजी से। एंड टेरास्पिन की बात करें तो जो टेरास्पिन है ना उसका अभी तक हमें फुल पोटेंशियल ही देखने को नहीं मिला है कि भाई वो किस लेवल का पावरफुल बंदा है, और वैसे तो ये साइक्लोन्स वगैरह क्रिएट कर सकता है एंड ये भी मतलब इसकी पावर जो है ना वो हवा से रिलेटेड है, एंड बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट, विंड ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर देखो जो एयर एलिमेंट स्लग है वो अगर बॉबॉय विंड के साथ लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो बॉबॉय विंड को तो अच्छी टक्कर दे देगा लेकिन साइक्लोन को भी
दे सकता है वो अच्छी टक्कर, लेकिन बहुत अच्छी नहीं दे सकता है क्योंकि बोबो साइक्लोन के पास ज़्यादा पावर्स है एंड वो ज़्यादा फास्ट, मुझे लगता है कि वो एयर एलिमेंट स्लग से ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा पावरफुल है बोबो साइक्लोन। तो मुझे लगता है कि बोबो साइक्लोन एंड बोबो विंड जीत सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जेट्रे और टेरास्पिन ज़्यादा पावरफुल है एज अ कम्पेयर टू बोबो विंड एंड उसका अपग्रेडेड वर्जन बोबो साइक्लोन से। और भाई देखो उसके जो जेट्री है ना वो तो अपने न्यूरो शॉक ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बोबोए को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और उसके साथ तो टेरास्पिन भी है, तो टेरास्पिन और जेट्रे मिल करके जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बोबोए विंड एंड बोबोए साइक्लोन को हरा सकते हैं। तो वैसे ये सारा मेरा ओपिनियन ही है, आप लोग अपने ओपिनियन कुछ और हो गया आप लोगों के, तो आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिख के बताते रहना, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपनी अगली बैटल की तरफ। तो जो अगली बैटल है वो है बोबोए लाइटनिंग एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बोबोए थंडरस्टॉर्म वर्सेस एनर्जी एलिमेंट स्लग वर्सेस फीडबैक एंड क्रोमास्टॉर्म। बैटल बहुत अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि जो बोबोए लाइटनिंग है ना उसके पास लाइटनिंग स्पीड है, साथ ही वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइटनिंग क्रिस की पावर रखता है, फ्लैश किक की पावर रखता है एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है ना बोबोए थंडरस्टॉर्म उसके पास है थंडर ब्लेज, थंडर अटैक, थंडर शील्ड क्रिएट करने की ताकत एंड वहीं पर जो एनर्जी एलिमेंट्स लग गया ना उसके जो अटैक है वो इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से एंड पसाइकिक से रिलेटेड होते हैं एंड ये एनर्जी एंड लाइटनिंग के जो बहुत ही पावरफुल शॉट्स होते हैं ना वो क्रिएट कर सकता है। एंड उसी के ओपोनेंट पे जो फीडबैक है ना भाई वो तो हम सभी को पता है कि फीडबैक जो है वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन वो बिग बैंग तक को एब्जॉर्ब कर चुका है, मतलब उसकी जो पावर्स है ना वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की है, वो बहुत लेवल हाई लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाई ओपोनेंट को उससे भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। साथ ही जो क्रोमास्टॉर्म है उसका भी वही सीन है, वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ना अपने ओपोनेंट को मतलब उससे भी डबल पावर फेंक के ना अपने ओपोनेंट को मार सकता है। तो देखो यार अगर जो एनर्जी एलिमेंट्स लग है वो बोबोए लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म से लड़ता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो हार जाएगा भाई, क्योंकि स्लग यार इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि बोबोए लाइटनिंग एंड बोबोए थंडरस्टॉर्म को हरा सके। लेकिन जो बोबोए लाइटनिंग एंड बोबोए थंडरस्टॉर्म है ना अगर वो फीडबैक एंड क्रोमास्टॉर्म के साथ लड़ते हैं तो फीडबैक के ऊपर लाइटनिंग का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो पूरी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता जाएगा और एंड में भाई वो अपने बोबोए के ऊपर ही बहुत बड़ा पावरफुल अटैक कर देगा। और अगर फीडबैक यहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ जाता है ना तो भाई यहाँ पे क्रोमास्टॉर्म उसकी हेल्प करेगा भाई, क्रोमास्टॉर्म और फीडबैक मिल करके ना थंडरस्टॉर्म और जो बोबोए लाइटनिंग है ना उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके ओपोनेंट पे ही उनको फेंक के ना बोबोए को नॉकआउट तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेन टेनिसन जीत गया है। अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तू यहाँ पे एलिमेंटल स्लग्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं भाई कि मैं इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ यार। भाई यहाँ पे ना जो बोबोए और बेन टेनिसन के एलियन है वो स्लग्स के लिए थोड़ा बड़ी चीज़ है यार, क्योंकि देखो बोबोए का सीन ऐसा है ना कि उसके पास अपना कुछ अपग्रेडेड वर्जन भी है, हर एक जो एलिमेंट उसका अपग्रेडेड वर्जन है, इसीलिए यार एलिमेंटल स्लग्स को उसके अपग्रेडेड वर्जन के साथ लड़ने में प्रॉब्लम होगी यार, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है नॉर्मल वर्जन से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो बोबोए फायर एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बोबोए ब्लेज वर्सेस फायर एलिमेंटल स्लग वर्सेस हीट ब्लास्ट एंड फोर आर्म्स में से कौन जीतने वाला है। तो अगर बोबोए फायर की बात करें तो वो फायर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथों से फायर को इधर उधर जनरेट कर सकता है, फायर के ब्लास्ट कर सकता है, फायर को क्रिएट कर सकता है, पूरी तरह फायर प्रूफ है। एंड जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है ना बोबोए ब्लेज वो ब्लेजिंग चक्रास बना सकता है, फायर पंच मार सकता है, फायर की हेल्प से इधर उधर उड़ सकता है। एंड इसी के ओपोनेंट में अगर हम फायर एलिमेंटल स्लग की बात करें तो वो भी फायर से पूरी तरह प्रूफ है एंड वो फायर को जनरेट कर सकता है, फायर को अपने पूरी कंट्रोल कर सकता है एंड फायर के इधर उधर शील्ड बना सकता है, फायर अटैक्स कर सकता है। और इसी के ओपोनेंट में अगर हम हीट ब्लास्ट की बात करें तो हीट ब्लास्ट का भी फायर पे पूरी तरह कंट्रोल है एंड उसकी तो पूरी बॉडी ही फायर से बनी हुई है, वो फायर की हेल्प से उड़ भी सकता है एंड जो हीट ब्लास्ट है ना वो अपनी फायर की हेल्प से एक माउंटेन तक को जला करके राख कर सकता है। एंड अगर फोर आर्म्स की बात करूँ ना तो जो फोर आर्म्स है भाई वो पूरी तरह फायर प्रूफ है जो कि उसका प्लस पॉइंट है एंड फायर फोर आर्म्स जो है ना उसने हीट ब्लास्ट को भी हरा दिया था, उसकी स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल की है एंड फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। और अगर बोबोए फायर और एलिमेंटल स्लग जो है ना फायर एलिमेंटल स्लग वो आपस में लड़ते हैं ना तो बोबोए फायर एंड फायर एलिमेंटल स्लग के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर हो जाएगी। लेकिन जब बोबोए फायर अपग्रेड हो जाएगा बोबोए ब्लेज में तो भाई फायर एलिमेंटल स्लग को काफ़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि बोबोए ब्लेज के पास ज़्यादा पावर्स है एज अ कम्पेयर टू बोबोए फायर, वो ब्लेजिंग चक्रास बना सकता है, फायर पंच मार सकता है,
फायर अटैक्स कर सकता है, वो उड़ भी सकता है। एंड अभी फायर एलिमेंटल स्लग हार चुका है, एंड अगर बोबोय फायर एंड बोबोय ब्लेज हीट ब्लास्ट एंड फोर आर्म के साथ लड़ेंगे ना, तो भाई फोर आर्म्स के ऊपर फायर का कोई असर होगा ही नहीं। तो भाई वो बोबोय ब्लेज एंड बोबोय फायर को अपनी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ के टक्कर में ना काफ़ी अच्छी हरा सकता है, उनको काफ़ी अच्छे से हरा सकता है, ठीक है। और हीट ब्लास्ट तो उसकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर ही देगा, और लास्ट में बोबोय फायर एंड बोबोय ब्लेज हार जाएंगे और फोर आर्म्स एंड हीट ब्लास्ट जीत जाएंगे। तो अभी बात करते हैं बोबोय वाटर एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बोबोय आइस वर्सेस वाटर एलिमेंटल स्लग वर्सेस आर्टिगुआना एंड बिग चिल के बीच में। तो अगर बात करें हाँ बोबोय वाटर की, तो बोबोय वाटर वाटर को पूरी तरह मैनिपुलेट कर सकता है, वेव्स फेयर बना सकता है, वाटर शॉर्ट्स बना सकता है, वाटर गुलम बना सकता है, वाटर के बड़े बड़े अटैक्स कर सकता है, एंड वाटर व्हेल्स फेयर बना सकता है। एंड उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है बोबोय आइस, वो आइस के बॉल बना सकता है, एरोज बना सकता है, एंड आइस की वॉल बना सकता है, आइस की शील्ड क्रिएट कर सकता है, आइस के कैनन बना सकता है, आइस के अटैक्स कर सकता है। एंड वहीं बात करें हम वाटर एलिमेंट स्लग की, तो उसका वाटर पे एंड आइस पे पूरी तरह कंट्रोल है, वो आइस की बड़ी बड़ी शील्ड बना सकता है, वॉल्स बना सकता है, आइस के अटैक्स कर सकता है, एंड आइस के साथ कुछ भी बना सकता है। एंड वहीं पे अगर बात करें आर्टिगुआना एंड बिग चिल की, तो बिग चिल के पास है इनविजिबिलिटी की ताकत, एंड वो आइस भी बना सकता है, उसके पास अपना एक अपग्रेडेड वर्जन भी है जो कि है अल्टीमेट बिग चिल, साथ ही उसके पास भी वही पावर है बर्फ वगैरह की। और जो आर्टिगुआना है ना भाई, उसके पास भी बर्फ की पावर है, लेकिन उसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल की आइस की पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब आइस उसकी बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल है। तो अगर वाटर एलिमेंट स्लग जो है ना वो बोबोय वाटर के साथ लड़ता है, तो बोबोय वाटर को तो वो हरा देगा, लेकिन बोबोय आइस को हराने में उसको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि यार बोबोय आइस के पास बो एंड एरो बनाने की ताकत है, साथ ही बोबोय आइस जो है ना उसके पास और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि वो कैनन बना सकता है, शील्ड वॉल वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो वो वाटर एलिमेंट स्लग को हरा देगा। लेकिन भाई वो आर्टिगुआना एंड बिग चिल को नहीं हरा पाएगा, लेकिन बिग चिल जो है ना वो एंड आर्टिगुआना मिल करके बोबोय वाटर एंड बोबोय आइस को हरा देंगे, क्योंकि जो बिग चिल है ना उसके पास एक प्लस पॉइंट है कि उसको बोबोय देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इनविजिबिलिटी की ताकत, तो भाई वो इनविजिबल होकर के बोबोय आइस को एंड वाटर को हरा सकती है, और आर्टिगुआना उसकी काफी अच्छी हेल्प करेगी। तो इन द एंड आर्टिगुआना एंड बिग चिल विनर इस बैटल के हो जाएंगे, और इसी के साथ भाई इस बैटल का विनर मेरे ओपिनियन से बेन टेनिसन ही रहने वाला है। तो यार इसी के साथ बेन टेनिसन इस बैटल का विनर है मेरे ओपिनियन से, एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ बोबोय एंड स्लग टेरा के फैन ऑफेंड मत होना, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। एंड इस बैटल में बस इतना ही, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।